हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आज देखते हैं कितने स्टूडेंट 50 में से 40 आंसर सही कर पाते हैं। तो अपना नाम और अपना स्कोर जरूर बताएगा वीडियो के एंड में, जो भी आपका स्कोर रहे। मैं बता रहा हूँ कि अगर देखते हैं 50 में से 40 कितने सही कर पाते हैं, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको 5 से 6 सेकंड मिलेंगी टेस्ट में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। डेली आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा शाम के टाइम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। मैं आशा करता हूँ कि आपको टेस्ट पसंद आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव्य एवं गैस में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड दी जाती है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल सही, सभी बच्चों को पता होगा ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वायु है, वायु क्या है? तो बिल्कुल सही है अगर आप यहां पर ऑप्शन सी लगा रहे हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई कण है? तो बिल्कुल सही, यहां पे तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? तो बिल्कुल सही है, यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही, यहां पे 5वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों टेस्ट को एंड तक लगाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे तरणात्मक आवेश होता है? तो बिल्कुल सही, यहां पे ऑप्शन 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गामा किरणें हैं, तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 6 की पावर O की पावर 15, 6 की पावर O की पावर 16, 6 की पावर O की पावर 17 को क्या कहते हैं? तो 8 का यहां पे राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? 9 बताइएगा भाई। तो 9 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। कमेंट बॉक्स में आंसर जो भी आपका चाहे गलत रहे चाहे सही रहे बता दिया करें। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है? तो बिल्कुल सही, यहां पे 10वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे 11वें का राइट आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो 12वें का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है,
तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है? फोर्टीन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा? तो 15 का राइट आंसर भी यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो बिल्कुल सही, यहां पे 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब? तो बिल्कुल सही, यहां पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए, सॉरी सॉरी, 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, 17 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, दूध उदाहरण है? तो 18 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो यहाँ पे 19वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका सकसारण यानी कि कोरोजन यानी कि जंग नहीं लगता है? जिस पर कौन सी धातु है वो? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सोने पे कभी जंग नहीं लगता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में, 21 क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22, किसी अभिक्रिया का वेग, ट्वेंटी टू का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई। 23, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है? बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? तो ये भी बताइएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो 25 का भी राइट आंसर यहाँ पे मिथेन ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं? 26, तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आधा हो चुका है भाई टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इंटरेस्ट आपको आ रहा है तो लाइक करिएगा और शेयर भी। 27, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है ना कि मैं बता नहीं सकता कितनी बार।
तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, मोस्टले इज द राइट आंसर। 28 पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो 28 का यहां पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो 29 का यहां पे राइट आंसर सी हो जाएगा भाई, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सोने का लैटिन नाम है, ये भी क्वेश्चन आया था भाई। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली परत बनाई जा सकती है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 34, पारे का प्रमुख अयस्क है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 35, रेडियम किससे प्राप्त होता है। बस टेस्ट आपका एनडी होने वाला है, तो अच्छे से बिल्कुल जितना भी आपने अभी तक लगाया है नेक्स्ट भी ऐसे लगाते रहिए। 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो 36 का राइट आंसर यहां पे क्या बन जाएगा, जी बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, 37 का राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मोनाजाइट किसका अयस्क है। थर्टी एट का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या रहेगा 38 का, बी। 39, हेमेटाइट किसका अयस्क है। थर्टी नाइन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 40, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। तो यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए
थोड़ा कर लेते हैं इसको जूम, और 10 क्वेश्चन और रह गए हैं तो सीरियसली इनको भी लगाइए। पीतल मिश्रण है तो जल्दी जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका 43, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है, 43 का बताइएगा। तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, आपने देखे होंगे सारे के सारे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए नीला थोते का रासायनिक सूत्र बहुत बार पूछा जा चुका है, तो 45 का राइट आंसर बताइए। तो 45 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। 46, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है, तो ये भी आप इजीली लगा सकते हैं। आपने देखा होगा तांबे का लोटा, कुछ भी बर्तन आपका रखा होगा घर पे, उस पर एक हरा सा रंग की थोड़ी परत सी जम जाती है, अगर हम उसको हवा में रख दें तो यहाँ पे तांबा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47, जल की स्थायी कठोरता का कारण है, का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 48, जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 48, और यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 49, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, तो बिल्कुल सही है, 49 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी यानी कि ये सभी इंक्लूड होते हैं साधारण कांच के मिश्रण में। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, और इसके बाद आपको अपना नाम और अपना स्कोर जरूर बताइएगा, प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, तो यह है पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, फिफ्टी का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अपना स्कोर लिखिए और पीडीएफ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ में इसके आंसर भी दिए गए हैं, और आंसर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप डायरेक्ट टेली